हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने IQ Z7S एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है क्विक एक्शन सेटिंग को अपने यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्विक एक्शन सेटिंग जो है कैसे काम करेगी, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा क्विक एक्शन, इसे आपको सिलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको ये क्विक एक्शन के ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये बटन दिया हुआ है, इसे आपको टैप करना है। तो ये बटन आपका ब्लू कलर में ऑन हो जाएगा। अब आपको नीचे ये काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। इनमें से आपको कोई भी एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कैमरा, रिकॉर्ड, कुछ भी आप यहाँ पे एक ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं इसे फ्लैश लाइट पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। अब आपको करना क्या है, सेटिंग को यूज़ कैसे करना है। देखिए, आपके फ़ोन की स्क्रीन जब भी ऑफ होगी ना, इस तरीके से जब भी ऑफ होगी स्क्रीन, तो आपको करना क्या, आपके मोबाइल फोन को जो वॉल्यूम डाउन बटन होता है, इसे आपको, जिससे आप अपने मोबाइल फोन की आवाज़ को कम करते हैं, ये वाला बटन आपको दबा के रखना है। तो इससे देखिए हमारी फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है, ठीक है ना। तो ये सेटिंग जो है ना, इस तरीके से काम करती है आपकी क्विक एक्शन सेटिंग, ठीक है। आप कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट करके उसे तुरंत ही आप उसे यू ओपन कर सकते हैं। अब मैं आपको एक क्विक एक्शन सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ आपके फोन में। इसके लिए मोबाइल फोन का आपको ये सेटिंग पेज फिर से ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन आपको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको सर्च बार में क्विक एक्शन आपको टाइप करना है, ठीक है, जो सेटिंग का नेम है। तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी आप ये सबसे ऊपर सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करेंगे, तो यहां पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहां पे स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। जब ये ऑप्शन नीचे की साइड में शो हो जाएगा तो इसे आपको सिलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, आपका फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग पेज में लेकर आ जाएगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।